1971 की लड़ाई में कौन कौन से हथियार इस्तेमाल हुए थे वो सारी चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। पहले देखो 50 साल पहले की पानी की बोतल देख सकते हो आप, इस तरह की पानी की बोतल होती थी। बॉर्डर फिल्म में आपने देखी होगी, यहाँ पर बॉर्डर मूवी भी शूट हुई थी। मैं लोंगे वाले पे खड़ा हूँ भाई, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, भारत ही नहीं। ये बिजली द्वारा चलने वाले लालटेन आप देख पा रहे हैं भाई, ये कंपास, इस तरह के कंपास होते थे पहले के समय में। और ये हमारा भारत का तिरंगा भाई सब ऐसे ही लहराता रहेगा। ये जो है हवा से लहराता नहीं है, ये हमारे फौजी भाइयों की सांसों से लहराता है। और बहुत, ये देखो ये वीर चक्र मिले थे जब पाकिस्तान को धूल चटाई थी। और यहाँ पर ये दूरबीन देख पा रहे हैं पिछले ज़माने की, ये सारी की सारी दूरबीन आपको दिखा रहे हैं। ये जो टैंकर होते थे, तोपची होते थे, उनके द्वारा कंपास जो यूज़ किए जाते थे, ये वो देख पा रहे हैं। हेलमेट आप देख पा रहे हैं, कुछ आपकी फ़ोटो दिखाते हैं जो 1971 की लड़ाई को ताज़ा करते हुए आपको दिखाई देगा। 1971 की लड़ाई आपको याद आ जाएगी भाई साहब। ये देखो वीर सैनिक भाई साहब, दो आदमी आगे से आ जाए ना, पेंट गिली हो जाती है। और ये हमारे वीर हैं जो हमारे देश के लिए लड़ते हैं भाई, कोई चिंता नहीं करते परिवार की, और अपने देश के लिए खड़े रहते हैं हमेशा। ऐसे वीरों को सलाम है भाई। वीडियो में भारत माता की जय लिखना बिल्कुल भी ना भूले। इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लेना पूरा, आपको 1971 की जो लड़ाई है उसका यहाँ पर ब्रीफ दे रखा है, आपको पता चल जाएगा कितने बलिदान दिए गए, वो सारी चीज़ें। इस साइड में जो मेजर कुलदीप सिंह जी हैं, और आपने बॉर्डर फिल्म में देखा होगा सनी देओल जी को, वो लगा था ना मेजर कुलदीप सिंह इधर आओ, तो ये रियल हीरो हैं भाई, ये रियल हीरो हैं वो मेजर कुलदीप सिंह, ठीक है। इनको महान वीर चक्र मिला था भाई साहब, ये देख पा रहे हो। और भी जितने वीर थे सभी के यहाँ पर फोटो दिखाई गई है। म्यूजियम के अंदर हूँ, यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। डेगची, ये क्या डेगची, ये डेगची है, ये लिख रखा है लेफ्टिनेंट धर्मवीर द्वारा इस्तेमाल किया गया रेडियो सेट, जो लेफ्टिनेंट धर्मवीर थे उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया था भाई, ये रेडियो सेट है ये, ठीक है। लालटेन हो गई है बिजली से चलने वाली, और ये यहाँ पर पूरे पूरे फोटो देख पा रहे हो। रोंगटे खड़े हो गए भाई, इतिहास जान के रोंगटे। और इसके बारे में पूरी दुनिया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 120 सैनिक थे 4 दिसंबर 1971 को, पाकिस्तान के पास 2500 से 3000, फिर भी हमने लोहा मनवाया था अपना। ये दूरबीन आप देख पा रहे हो, अंदर आपको पिस्तौलें दिखाएंगे पुराने ज़माने की, सारा का सारा आपको धर्म युग 26 मार्च 1972 के आर्टिकल आप देख पा रहे हैं, 1974 के आर्टिकल देख पा रहे हैं। पूरी देश दुनिया में अपने भारत की चर्चा हुई थी भाई, ये देखो। और आज भी यहाँ लोंगेवाड़े में पाकिस्तान के दो टैंक है ना, वो यहाँ पर खड़े हैं। 37 टैंक थे शायद, वो नष्ट कर दिए थे पिस्तौल ये लोग रखे यहाँ पर। पिछले ज़माने के आज से 50 साल पहले जो हथियार कैसे होते थे वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इस साइड में भी आपको अंदर की तरफ चलते हैं, अब ये देखो ऐसी तमाम तोपे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, बंदूकें आपको देखने को मिलेंगी, स्टैंग गन देखने को मिलेगी, 7.92 mm मशीन गन, ये देखो भाई। एक मिनट आओ, ये देख पा रहे हो रॉकेट ग्रेनाइट वाला, ये चलाते थे। बॉर्डर फिल्म में देखे होंगे आपने ऐसे, और ये फोटो बना रखे हैं भाई, वाह कितने खूबसूरत। और ये देखो 2-inch mortar, विश्व कोरिया युद्ध चैन में इस्तेमाल किया गया था, ये लिख रखा है भाई इसमें, युद्ध 2 विश्व युद्ध 2 से पहले इसको निर्मित किया गया था, ये पूरी यहाँ पर बता रखा है। 2-inch mortar ऐसे चलता था ये चैन दबा के, सरदार जी ने पूरा जोर लगा रखा है भाई। ये देखो MS-22, वाह जी वाह, सलाम है अपने वीरों को। ये क्या रखे हैं भाई यहाँ पर, ये देखो ये देखो, ओहो, ठीक है जी, ये देख लो जी हथियार देखो कैसे कैसे, गोलियाँ देखो जी, ये लिख रखे है देख, लोंगे वाला युद्ध स्थल। सामने में कैमरे में आपका भाई भी दिख रहा होगा, स्मॉल जो गोलियाँ हो, ये देखो ये बड़े वाली है, ये 12.75 की है, 7.5 mm की, 5 mm की एंटी टैंक माइन, ये माइन बिछा रखी थी, ये कम थी, फिर टीफिन बिछा के ऐसे उनको बेवकूफ़ बनाया था। एंटी टैंक राउंड देख पा रहे हैं आप, ठीक है, इस तरीके से बंकर बना के हमारे सैनिक खड़े होते थे भाई। सलाम है भाई इनको सलाम, सत्यमेव जयते। अंदर की तरफ देखते हैं और क्या है, ये देखो ये पूरा ब्रीफ रखे है। ओ भाई साहब ये क्या बता रखे है भाई, एक मिनट 32 यहाँ समझते हैं भाई, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है बताना सर, युद्ध इस तरह हुआ था। अच्छा ऐसे युद्ध हुआ था, पाकिस्तान की साइड में है, अच्छा उस साइड में तो ये हो गया पाकिस्तान, ये बीच में बॉर्डर हो गया, ये बारह टैंक खड़ा ना, अच्छा ये देखो इस साइड में ऐसे युद्ध हुआ था भाई। ये देखो मॉडल के द्वारा बता रखा है भाई, इस साइड तो है अपनी भारतीय फौज इंडियन आर्मी, ठीक है, और उस साइड में है देखो पाकिस्तानी फौज भाई, वो ऐसे टैंक सैनिक ऐसे लेके आए थे भाई।
T-59 अपने कब्जे में है, वो आपने बाहर देखा होगा बोरा, ठीक है। और इस साइड में फिर ऐसे भारतीय सैनिक ने